खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वाराहाट, आइए आनंद लेते हैं श्री रतन सिंह मेहरा जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जी के सेवा निवृत्त होने पर विदाई समारोह का। और पौराणिक नगरी के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की सभागार में आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रही हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदया, और आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्री आरएस मेहरा जी सपरिवार, इस खंड कार्यालय के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्यगण, अध्यापकगण और इस संपूर्ण ब्लॉक के इस कार्यालय के और विभिन्न विद्यालय से आए हुए समस्त कार्यालय कर्मियों का आज के इस दिन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि आज हम किस प्रयोजन से यहाँ पर एकत्र हुए हैं, सरकारी सेवा में तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, नियुक्ति, स्थानांतरण और विदाई। बड़ा ऐतिहासिक पल है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस पल को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो सर्वप्रथम, क्योंकि हमारा रिश्ता हम पर जो वरदस्त है माँ शारदे का रहा है, तो सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती के चित्र का अनावरण कर उसमें माल्यार्पण करने के लिए। तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदया और हमारे अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा, कृपया अनावरण कर माल्यार्पण करें। माँ सरस्वती का माल्यार्पण और कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संचालक श्री अजय जोशी जी। आप देखिए समस्त विकास खंड द्वाराहाट के कर्मचारी, शिक्षक, उनके सब चाहने वाले इस विदाई समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। अनुरोध करूंगा इस कार्यालय से श्रीमती रिंकू जी मैडम की, आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदया का बैज अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे श्रीमती रेवती विस्मय। खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती तनुजा जोशी का बैज अलंकरण, सभी महानुभाव भावभीनी विदाई के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर बैज अलंकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग इस विदाई समारोह में यहाँ पर उपस्थित, आप देखिए उनके पारिवारिक जन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को सम्मानित किया जा रहा है, इस प्रकार से बुके देकर के सम्मानित किया जा रहा है श्री रतन सिंह मेहरा जी को, मुख्य प्रशासन अधिकारी द्वाराहाट, जिनका आज सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मेहरा सर को यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद विदाई देने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वाराहाट, उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वाराहाट, सभी कर्मचारी, पूरे विकास खंड के विद्यालयों के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ उनको विदा दे रहे हैं। बिछड़ने का गम भी है लेकिन सकुशल सेवानिवृत्ति भी आदमी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री अजय जोशी जी, जो एक सुप्रसिद्ध संचालक हैं, वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और मेहरा जी के कार्यों के बारे में बता रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं और सभी का एक ही बात कहनी है कि हमको मेहरा सर से सीखना चाहिए। जन्मदिन भी मेहरा सर का है तो उस उपलक्ष्य पर सभी साथियों ने यहाँ पर केक की व्यवस्था की गई है और केक काटा जा रहा है और साथ में आप देखिए पूरा सम्मान मेहरा सर को यहाँ पर दिया जा रहा है। और कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती तनुजा जोशी की उपस्थिति कार्यक्रम को चार चांद लगा रही है, जिससे सभी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी हुआ है। साथ में श्री मेहरा सर के जो पारिवारिक जन है, छोटे बच्चे भी उसमें शामिल है, यहाँ पर उपस्थित है। आर्यन मैडम जी की जन्मतिथि 1 जुलाई 1964 है। इनका जन्म गांव खैरोन पंचकोटी रानीखेत में हुआ। उन्होंने अपनी जो सेवा है, राष्ट्रीय सेवा,
राजकीय इंटर कॉलेज नवासी विकासखंड सादे अल्बड़ा से शुरू की। इनकी प्रथम नियुक्ति 12 मई 1986 है। इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज नवासी में 12 मई 1986 से 5 जनवरी 1991 कुल 4 साल 7 माह 24 दिन की सेवा राजकीय इंटर कॉलेज नवासी में दी। आपको इससे पता ही है पहले से प्रमोशन होते थे तो उसमें स्थानांतरण था जो होता था उन लोगों का, तो उसके बाद ये स्थानांतरण होकर के राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उबाल्टा में 6 जनवरी 1991 से 29 साल 1998 तक अर्थात 7 साल 6 माह और 23 दिन की सेवा इन्होंने राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उबाल्टा में दी। इसके बाद से इन्होंने अपने ट्रांसफर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उठाड़ी में 30 जुलाई 1998 से 26 सितंबर 2002 तक अर्थात 4 साल 1 महीना 27 दिन की अपनी सेवा राजकीय इंटर कॉलेज उठाड़ी में दी। इसके बाद ये पदोन्नत होते हुए यानी वरिष्ठ सहायक में पदोन्नत होकर के राजकीय इंटर कॉलेज सलाली विकासखंड गरुड़ जिला बागेश्वर में वरिष्ठ सहायक के पद पर 27 सितंबर 2002 से 4 जनवरी 2003 तक अर्थात 3 वर्ष 8 माह की सेवा उन्होंने 3 माह 8 दिन की सेवा उन्होंने अपनी जीएससी सलानी में दी। इसके पश्चात अटैचमेंट में ये उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में 5 जनवरी 2003 से 21 जून 2010 तक अर्थात 7 वर्ष 5 माह 16 दिन की सेवा उन्होंने पहुंची। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में ही 22 जून 2010 से 21 अगस्त 2011 तक अर्थात 1 वर्ष 2 माह 7 दिन की सेवा वहां दी। फिर प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत होकर के 20 अगस्त 2011 से 8 जुलाई 2016 तक अर्थात 4 वर्ष 10 माह 9 दिन की सेवा कुल सेवा काल में उनका उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में रहा है 13 वर्ष 6 माह और 3 दिन 13 वर्ष तक लंबी सेवा इनको रही है बोर्ड कार्यालय में रही है जो अच्छा खासा अनुभव इनको रहा है बोर्ड कार्यालय का। इसी के बाद हम मुश्किल से सीखे हैं कई चीजें लेटर बनाना, किसी लेटर की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, फाइल को सुसज्जित कैसे करना है और कौन से वर्ड कहाँ पे यूज होने हैं। अब हम से हमेशा सीखते आए हैं और आगे सीखते रहेंगे। इसके बाद ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीखेत में 9 जुलाई 2016 से 23 अक्टूबर 2017 तक अर्थात 1 वर्ष 3 माह 14 दिन की सेवा इन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीखेत में इतनी लंबी सर्विस उन्होंने उत्तराखंड दर्ज शिक्षा परिषद दी है। तो जितने इनकी जिम्मेदारियाँ होती है घर की अपने बच्चों की जो भी है उन्होंने उस टाइम पर रामनगर रहकर के सारी चीजें की। उसके बाद से अपनी जो बाकी सेवाएं हैं पहाड़ में दी क्योंकि ठीक है अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली तो उन्होंने बहुत सी सेवाएं यहाँ पर दी। उसके बाद से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर यहाँ बीओ बरहाट में पहुंचकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और हमने भी उनसे काफी चीज सीखी है। 24 अक्टूबर 2017 को यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद 2 महीने बाद मैंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। आपकी सोच को आगाज हम देंगे, आपके आपको परवाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा हम दिलाते हैं कि आपके इंदिरों को एक अंदाज हम देंगे। और उनके इस समय का मैंने भी गाड़ी लगी हमने आपके लिए उनके साथ कार्य करने का जो अपना हमने अपना अनुभव उठा है उनकी आधार उनकी सेवा के प्राण एक समान सेवा को पूर्ण करने के बाद मानव और सब समय नारी सुनने क्या करके आपके जिंदगी जीवन की आपके अभी भविष्य और आपके परिवार सुंदरता और संबंधता और
किसी भी व्यक्ति के जीवन में उनकी लंबी सेवा करने के पश्चात निर्लाभ करके सिर्फ यदि वो सेवा के मत होता है शायद ही ऐसे सुबह कल किसी भी व्यक्ति के जीवन को होता है। सुश्री मेहरा जी और हमेशा जी का आज का जैसा समय है जैसे लोग रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल नाले थे मुझे लगता है और भी सुखद पर एक बहुत सुखद समय था जहां तक आपके सेवा काल की बात है आपके कार्यशैली की बात हो तो बहुत अद्भुत है। और आपके निरोगी भविष्य स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जैसे नौजवान आप अभी अपने सेवा काल में रहे और आगे भी जो है आप ऐसे ही नौजवान रहेंगे। वो जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई जहाँ नहीं होता, वो खुद ही बनाता है जहाँ अपने लिए, उसे आता है हुनर जहाँ बनाने का। ये लाइनें बिल्कुल फिट होती हैं श्री रतन सिंह मेहरा जी के क्रियाकलापों से उनकी कार्य पद्धति पर। जो आरोप प्रत्यारोप बीच के अंदर सेवा काम के अंदर में लगे रहते हैं उनको ये विजित करते हुए अपना जीवन ऐसे बिता के डाला जिससे कि लगता है कि आज इस मुस्कुराहट और उनकी चेहरे पर जिस मुस्कुराहट स्वभाव मुझे दिखाई देती है। और बेहद भावपूर्ण इस कार्यक्रम में विकास खंड के विभिन्न शिक्षक कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी और शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे और सभी अपना स्नेह भेंट मेहरा जी से शेयर करते हुए, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कर्मचारी बहुत ही अलग नेचर रहा है, सरल सीधे सरल स्वभाव के श्री रतन सिंह मेहरा जी। तो पूरा विकास खंड यहाँ पर मौजूद और सभी प्रतिनिधि आकर के अपने अपनी सूक्ष्म भेंट, स्नेह भेंट उनको प्रदान करते हुए इस विदाई के क्षणों में काफी भावपूर्ण ये कार्यक्रम रहा और वास्तव में विदाई का जो कार्यक्रम है वो भावपूर्ण ही हो जाता है। एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, इतनी लंबी सेवा के पश्चात आज ये विभाग निर्दिष्ट रूप से मेहरा जी से विदा हो रहे हैं। इस मामले में विदाई समारोह में उनकी उपस्थिति के लिए और जैसा कि अभी पूर्वताओं ने बोला है, बताया है और सभी लोग महिलाओं से जानते हैं कि अभी दीर्घ और सफल विभागी को लेकर आज हमारे बड़े भाई श्री रतन सिंह मेहरा जी अपने मन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम सबको उनसे चाहिए कि उन्होंने अपने सेवा का जो है दायित्व को अच्छी तरीके से निर्वहन किया। विदाई कार्यक्रम अपने आप में सेवा में नियुक्ति हुई है तो सेवानिवृत्ति तो होगी ही, लेकिन ये कोई अंत नहीं है, ये एक उसी किताब का एक नया अध्याय है जिसको व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से जिएगा। 40 साल का अनुभव है सर का। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने मेहरा सर के बारे में अपनी बातें रखी, अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और क्या क्या उनसे सीखा इन चीजों को शेयर किया। तो एक विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 2017 में लगभग अक्टूबर दिवाली का समय था, आप आए इस कार्यालय में और इस कार्यालय में उस समय उतनी व्यवस्था ही नहीं थी, कार्य तो होते थे पर व्यवस्थित ढंग से नहीं होते थे।
हम लोग कार्य करने का पूर्ण प्रयत्न करते थे, लेकिन एक किस प्रकार कार्य को व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए, परिवार के सदस्य हैं हमारी माननीय मैडम जी, उनकी बच्चे लोग हमारे सभी संगीत से आए हैं और मेरे साथी साथी शिक्षक साथी और सभी लोगों का सादर अभिनंदन सादर स्वागत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती तनुजा जोशी भेंट प्रदान करते हुए स्नेह है लोगों का मेहरा सर के प्रति, उनकी जो कार्यशैली रही है वो काफी प्रभावशाली रही है, विद्वान व्यक्ति रहे हैं और विभागीय नियमों के बहुत ही जानकार रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों ने उनको यहाँ पर विदाई दी, भावभीनी विदाई दी और अपनी पुरानी यादें जो उनके साथ थी वो शेयर की। और मेहरा सर ने लगभग 38 वर्षों तक शिक्षा विभाग की सेवा की और इस विभाग को बहुत कुछ दिया और आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि लोगों का अपार स्नेह भी उनके प्रति रहा है। पर विराजमान ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी महोदय, आज के कार्यक्रम के अतिथि मेरे पिताजी और यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज इस पावन अवसर पर हमें यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही जीवन का असली सार है कि आपके सेवानिवृत्ति के बाद आपके कार्यशैली को, आपके व्यक्तित्व का सराहा जाए, जीवन की असली उपलब्धि यही है और इन्हीं उपलब्धियों के साथ अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आज के केंद्र बिंदु और इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री आर एस मेहरा जी को, कि वो अपने विचारों से सदन को सार्थक करने का कष्ट करेंगे। श्री मेहरा जी, आज जैसा कि ये सबको विदिति है कि मैं अधिवक्ता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, इस कार्यक्रम के आयोजन में आप लोगों द्वारा जो अपूर्ण सहयोग मुझे दिया गया है इसे मैं गदगद हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे, ये अवकाश का समय भी था कि हमारे विद्यालय जो है अवकाश में बंद है, लेकिन फिर भी लोगों ने पहले आकर के यहाँ पर मुझे जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी के सहयोग से ही कार्य होता है, एक आदमी किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है, सभी का जब सहयोग रहता है, सभी हाथ भर जब हाथ पांव मुंह सिर सभी का सब काम करेंगे तभी हमारा पूरा तंत्र काम करेगा। सभी के सहयोग से इस विकास करने का अभी वर्तमान समय तक जो है ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है उस कार्यालय से कि मतलब कोई कार्य समय पर संपादित नहीं हुआ, लेकिन उस कार्य को संपादित करने में भी हमारे विद्यालयों का भी अपूर्ण सहयोग रहा है। श्रद्धांजलि, उनके बच्चों और उनके पूरे परिवार का मैं अभिनंदन करती हूँ और साथ ही विभिन्न विद्यालयों से अवकाश भी इस कार्यालय में यहाँ पर इस सभागार में आप जो पहुँचे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और हर किसी की कार्यशैली से हमको कुछ न कुछ सीख लेने की आवश्यकता होती है और ये पल आना ही आना है और कोई भी संस्थान होता है या तो आप वहाँ से आपका प्रस्थान या तो स्थानांतरण के रूप में होगा या प्रमोशन के रूप में होगा या रिटायरमेंट के रूप में होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। समस्त विकास खंड द्वाराहाट श्री रतन सिंह मेहरा जी के
उज्जवल भविष्य की कामना करता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है। फिर मिलेंगे सर, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।